कबीर जी एकमात्र ऐसे भक्त भये हैं जिनकी परीक्षा के लिए अप्सरा आई। इस युग में, इस कलयुग में ऐसा चरित्र अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता कि अप्सरा छलने के लिए आई हो। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? एक सज्जन पूछ भी रहे थे, कह रहे थे महाराज पुराने पुराणों में सुनाई पड़ता है कि अमुक ऋषि ने तपस्या किया, भजन किया तो अप्सरा भेज दी इंद्र ने। आज बहुत से लोग भजन करते हैं, अप्सरा इंद्र क्यों नहीं भेजते हैं? बोले कलिमल ग्रसित जीवों के चित्त की ऐसी दशा है कि वे अप्सरा भेजने की उन्हें जरूरत नहीं है, वे तो यही फिसल करके न जाने कब किस गड्ढे में जाके मलमूत्र के भांड में गिर जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। तो आज कलयुग में ऐसी किसी में पात्रता नहीं है जिसके भजन को, तपस्या को डिगाने के लिए इंद्र को अप्सरा भेजने की जरूरत पड़े। लेकिन कबीर जी का भजन इतना उत्कृष्ट था कि स्वर्ग लोक से अप्सरा भेजी गई। भगवान ने प्रेरित किया इंद्र को और अप्सरा भेजी, और वह अप्सरा भी श्री कबीर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, श्री कबीर जी महाराज भजन कर रहे हैं और अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा ने कहा, श्री कबीर जी भजन गा रहे हैं, बड़ा सुंदर भजन है श्री कबीर जी का, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे यह मन सुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, तामे यह मन सुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, माया बनी सार की सूली, माया बनी सार की सूली, नारी नरक ककुआरे, नारी नरक ककुआरे, भाई बंधु और कुटुम कबीला, भाई बंधु और कुटुम कबीला, इनमें पचि पचि मुआरे, क्या देख दीवाना हुआ रे, इनमें पचि पचि मुआरे, क्या देख दीवाना हुआ रे, कहे कबीर प्रभु राम भजन बिन, कहे कबीर राम भजन बिन, कहे कबीर राम भजन बिन, कहे कबीर राम भजन बिन, हार चला जग जुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, हार चले जग जुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या दीवाना। अप्सरा आ गई, बोले महाराज देख के दीवाना हुआ, संसार को देख के भूल गया। अरे बाबा ये कोरे ज्ञान की बातें मत करो, क्या रखा इस भजन में, ओ नादान फकीर, देख हमारी ओर तो जग जाए तकदीर, हमारी ओर देख तो तेरा भाग्य जग जाएगा। श्री कबीर जी हंसने लगे, बोले देवी क्या देखें तेरी ओर, हाड़ चाम की पूतरी भरी अनेक विकार, कौन परे यम यातना तेरी ओर निहार, तेरी ओर देख करके यमराज की यातना में कौन पड़े। अप्सरा बोली बाबा हम सामान्य नहीं हैं, पुण्य भोग्या हैं, स्वर्ग भोग्या हैं, देव वधू हैं, स्वर्ग लोक की अप्सरा आई तेरे द्वार, ऐसो अवसर बावरे मिले न बारंबार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कबीर जी फिर हंसे, बोले देवी तुमने हमारी वाणी नहीं सुनी है, क्या है आपकी वाणी? श्री कबीर जी का दोहा, छोटी मोटी कामनी
सभी विष की बेल छोटी मोटी कामनी सभी विष की बेल बेरी मारे दाव से ये मारे हंस के बेरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल कबीरा ये मारे हंस खेल कबीरा ये मारे हंस खेल। देखिए ध्यान दें, साधक लोग ध्यान दें, विशेष रूप में कबीर जी नारी के निंदक नहीं है, वे साधकों को सावधान कर रहे हैं। नारी साधिकाएं हैं, उन्हें पुरुष मात्र से सावधान होना चाहिए। श्री कृष्ण एक पुरुष उनकी दृष्टि में हो, बाकी कोई पुरुष उनकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। और पुरुष मात्र साधकों की दृष्टि में कोई नारी न हो, कोई नर न हो, एक श्री गिरधर होने चाहिए, एक श्री रघुनाथ होने चाहिए, दूसरा दृष्टि में समाहित तो नहीं होना चाहिए। प्रकृति के स्थूलांश से नारी देह की सृष्टि भई है, इसलिए कहा विष्णु नारी, नारी विष्णु माया प्रगट, क्योंकि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये पांचों चीजें उसमें एक साथ विद्यमान है। इसलिए पुरुष साधक को नारी साधक से सावधान, नारी से सावधान, नारी को नर से सावधानी की बात कही गई है। सभी संतों ने कहा वो नारी निंदा में उसका तात्पर्य नहीं समझना चाहिए। श्री मलुकदास जी ने तो बहुत ऊंची बात कह दी। मलुकदास जी महाराज की साखी में एक बात बड़ी विलक्षण है, साधकों के बड़े काम की चीज है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। ये अमल की घोटी है, सारा संसार इस अमल का सेवन करने वाला है। मलुकदास जी महाराज कहते हमको ऐसा कोई फकीर साधु नहीं मिला जो नारी का कुसंग करके भवसागर से पार उतर गया। इसलिए नारी नाही निहारिए करे नयन की चोट, कोई एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। ये मलुकदास जी का दुख। श्री कबीर जी महाराज ने कहा, छोटी मोटी कामनी सभी विष की बेल, छोटी मोटी कामनी सभी विष की बेल, बेरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल, बेरी मारे दाव से ये मारे हंस खेल। एक बात तो यहाँ तक कह दी कबीर जी ने कि जो बड़ी विचित्र बात है, कबीर जी कह रहे हैं, जहाँ जराई सुंदरी तह जन जाहू कबीर, खेह उड़े अंगनी लगे दाहे सकल शरीर। वहां भी मत जाओ, लेकिन अप्सरा तो नाचने गाने लगी, काम को विषय को उद्दीप्त करने वाले गीत गाने लग गए। धन्य है श्री कबीर जी का हृदय क्षोभ रहित रहा। नाचते नाचते बिचारी कहां तक नाचे, नाचते नाचते थक गई। आकर्षण ही जीव को बांधता है। प्रकृति जड़ है, हम चेतन हैं, तो चेतन को जड़ ने कैसे बांध लिया, इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ये भोगों के प्रति, संसार के प्रति, विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, इस आकर्षण में ही हम बंधे हुए, और ये आकर्षण तब तक समाप्त नहीं होता जब तक भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती। जब तक भगवान की ओर पूरा आकर्षण नहीं होगा, तब तक भोगों के प्रति आकर्षण बना रहेगा। भगवान के प्रति आकर्षण कब तक नहीं होगा, जब तक भगवान के मंगलमय चरित्रों का आस्वादन नहीं किया जाएगा।
संतों का चरणाश्रय स्वीकार। देखिए जिनका चित्त भगवान में लगा है उनमें चित्त लगा दो, भगवान में चित्त लग जाएगा। हमारा भगवान में चित्त नहीं लगा कोई बात नहीं, भाई जी में चित्त लगा दो, ठाकुर जी में चित्त लग गया। भाई जी में चित्त लगा दो, ठाकुर जी में चित्त लग गया। हमारा चित्त ठाकुर में नहीं लगा है, लेकिन परम श्रद्धेय श्री भाई जी का तो राधा माधव में निरंतर चित्त लगा हुआ है। उनमें चित्त लगा देंगे तो हमारा चित्त लगाना बाकी रह गया क्या? श्रृंखला संबंध से हमारा चित्त भी उनमें लग गया। बिचारी नाचते नाचते थक गई बैठ गई। श्री कबीर जी महाराज बोले अब तू हमारा गीत सुन ले। श्री कबीर जी ने बड़ा सुंदर गीत गाया। कबीर जी महाराज कहते हैं, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना। हाँ यहाँ तुम्हारो लेना न देना, राम बिना विष लागे ये बेना, राम बिना। तुम घर जाओ मेरी बहना, घर जाओ मेरी बहना, तुम्हारा यहाँ लेना देना नहीं। तुम्हारी वाणी विष से बुझी हुई हमको समझ में आ रही है। जगमगात पट भूषण सारी, जगमगात पट भूषण सारी, उर मोतिन के हार, उर मोतिन के हार, इंद्रलोक ते मोहन आई, इंद्रलोक ते मोहन आई, मोही करण भरतार, मोही करण भरतार। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना। इंद्रलोक से इतने चमनाचम कपड़ा पहन के आई है हमको भरतार बनाने के लिए। अरे हमारा बुढ़ापा आ गया, तुम जाओ। बाबा की बात हमको याद आ गई, हरे राम बाबा की बात। बोले इन बातन को छाड़ी दे हुरी, इन बातन को छाड़ी दे हुरी, गोविंद के गुण गावो, गोविंद के गुण गावो, तुलसी माला क्यों नहीं पहिरो, तुलसी माला क्यों नहीं पहिरो, बेगी परम पद पावो, बेगी परम पद पावो, तुम घर जाओ मेरी बहना, 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 यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ। अप्सरा बोली बाबा बाबरो है गयो का, मैं काऊ की बहन बेटी नाए लगू, तू बहना बहना काहे को कर रहे हो, मैं तो अपनाए भी आई हूं। कबीर जी ने एक व्यंग कसा, बड़ा विचित्र व्यंग। कबीर जी बोले स्वर्ग लोक काऊ टोट परे हो, स्वर्ग लोक काऊ टोट पर टोटा पड़ गया, स्वर्ग में सब देवता मर गए तो हमारे पास आइए, हम सो और न कोई, हम कार्य कर उठे, बुढ़ापे ने शरीर को ग्रस रखा है, हैं? वो ये देवता जो सदा किशोर अवस्था में रहने वाले वो सब मर गए क्या? अमर मर गए जो मेरे पास आइए। इंद्रलोक में टूट पड़ो है, इंद्रलोक में टूट पड़ो है, हम सो और न कोई, हम सो और न कोई, तुम तो हमें गिरावन आई, तुम तो हमें गिरावन आई,
जाहुदई की खोई, जाहुदई की। तुम घर जाओ मेरी बहना, घर जाओ मेरी। हाँ बहुते तपसी बांध बिगोए, बहुते तपसी कच्चे सूत के धागे, कच्चे सूत के धागे। जो तुम जतन करो बहु तेरा, जो तुम जतन करो तेरा। जल में आग न लागे, जल में आग न लागे। बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा दिया, लेकिन ये पानी में आग लगने वाली नहीं है। हाँ चली जाओ, हमने तो बड़े बड़े को पटक दिया, तुम किस खेत की मूली हो। कबीर बाबा बोले, हमें अपने साधन का बल नहीं है। जिन्हें अपनी तपस्या का, योग का, समाधि का, साधन का, ज्ञान का, वैराग्य का बल था, उनको तूने धूल चटा दी, लेकिन हमें श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का बल है। यही है मुख्य बात। हो तो केवल हरि की शरण, हो तो केवल हरि की शरण, हो तो केवल हरि की शरण, हो तो केवल हरि की शरण। तुम तो झूठी माया, तुम तो झूठी माया। गुरु प्रताप साधु की संगति, गुरु प्रताप साधु की। मैं जो परम पद पाया, मैं जो परम पद पाया। नाम कबीरा जात जुलाहा, नाम कबीरा जात जुलाहा। घर में रहूं उदासी, घर में रहूं उदासी। जो तू मान महत कर आई, जो तू मान महत कर आई। एक माय दूजे मासी, एक माय दूजे मासी। हाँ तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी। यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना। राम बिना बिस लागे ये बेना, बिना लागे ये बेना। तुम घर जाओ मेरी बहना, तुम घर जाओ मेरी बहन, तुम घर जाओ। गुरु प्रताप साधु की संगति। कबीर जी ने अन्यत्र भी पद में कहा है, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। कबीर जी का पद है, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सारा बाजार लूट गया। ब्रह्मा लूटे, शंकर लूटे, नारद मुनि के पड़ी है पछार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। श्रृंगी की मिंगी करडारी, पारा सर के उधर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। लेकिन देखिए, इन पदों का अनर्थ न करें, अर्थ करें। यहाँ किसी सत्पुरुष की निंदा नहीं की जा रही है, साधकों को यह सावधान किया जा रहा है कि ऐसे लोग भी माया से नहीं बच सकते, तुम किस गुमान में भूले हो। कबीर जी कहते, हम तो बच गए, तुम दूसरों पे क्यों आक्षेप करो, तुम बच गए। लेकिन कबीरा बच गया साहिब दया से, साहिब माने गुरुदेव रामानंद स्वामी, गुरु कृपा से मैं बच गया। कैसे? बोले, शब्द डोर गही उतरा पार। राम नाम रूपी जो शब्द है, उस शब्द की डोर को गह करके मैं भव सागर से पार उतर गया। मैं पूरा पूरम पट बच गया, पक्का बच गया। बोली, हम तो आई हैं। अप्सरा बोली, बोले तुम हमारा नाम नहीं जानते, हमारा कबीरा नाम है, बिना पढ़ा लिखा निहट्ठ गंवार हूं। जानता हूं किस खानदान में पैदा हुई, जानती हूं किस खानदान में पैदा, जाति जुलाहा, जुलाहा। कहे, तुम कुछ भी बने रहो, हम तो वरण करने आई हैं। कबीर जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप तो सुन ही चुके हैं, स्वर्ग लोग कौ टोट पड़े हो, स्वर्ग में टोटा पड़ गया क्या। अब कबीर जी बोले कि अब तू ही बता, मैं वर्ण कैसे करूं। क्यों? बोले, क्या समस्या आ रही है? कहते, जो तू मान महत कर आई, एक माई दूजे मासी। एक नाते से तो आज तू मेरी मैया लगती है, और एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है।
तो बताओ मैया हो तो वरण कैसे करें, मौसी हो तो कैसे वरण करें। हंसने लगी, बोले ये रिश्तेदारी आपने कहां से निकाली। कहा देखो, वैष्णव का, संत का, भक्त का, साधक का, महात्मा का कर्तव्य है नारी मात्र में भगवती जगदम्बा का दर्शन करे। स्त्रिय समस्ता है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मुंबई तत्ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। दुर्गा सप्तशती में आया है ये सारी विद्याएं आपका भेद है, जगत की सारी नारियां आपका ही स्वरूप है। तो हम तो तुम्हें जगदम्बा जानकी के रूप में देख रहे हैं, इस नाते से तो तुम मेरी माँ लगती हो। और मान लो तुम कहो कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तब तुम मेरी मौसी लगती हो। मौसी कैसे, बोले देखो समुद्र से ही प्रकट भई लक्ष्मी और समुद्र से ही प्रकट भई अप्सरा, तो लक्ष्मी की तुम सब बहन भाई की नहीं, लक्ष्मी की बहन तो है, तो लक्ष्मी मैया है और तुम मैया की बहन हो, तो मौसी हुई कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो मौसी जी की जय। अब तो जैसे ही मौसी और माँ कहा, अप्सरा चरणों में प्रणाम करके चली गई। वो अप्सरा नहीं थी, मूर्तिमती माया ठगने के लिए आई। माया घुटने टेक कर कबीर जी के सामने चली गई। जैसे ही कबीर जी के सामने माया नतमस्तक होकर चली गई, अब भगवान चतुर्भुज रूप में सामने आकर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।